आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। विराट, सही के कहने पर तूने इस परिवार को माफ किया था और अब इसी परिवार की इज्जत उतारना चाहता है। काकू, आप खुद एक औरत हैं तो औरतों को इतना कम क्यों आंकती हैं? आप सोचिए ना, अगर काका साहब अपना नाम ऐसा रखते तो नागेश भवानी चौहान, आपको कैसा लगता? अच्छा लगता ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई स्वर्गीय काका साहब की बेइज्जती करने की? नहीं काकू, मैं अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता कि मैं काका साहब की बेइज्जती करूंगा। वो ना सिर्फ मेरे आदर्श हैं, वो मेरे लिए मेरे भगवान हैं। और यहां तो मैं आपको इज्जत देने की बात कर रहा हूं, आप प्लीज मेरी बातों को गलत मत लीजिए। गुड 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 गुड। देखो बेटा, एक औरत होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये सब तुम सही के लिए कर रहे हो ना? लेकिन बेटा एक बार सोचो, ये सब कुछ अगर तुम्हारे बाबा को, नीनाद को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? वो बुरा मान जाएंगे ना। विराट, तेरे बाबा ने तुझे प्यार दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। आज जो तू ये IPS विराट चौहान बन के घूमता है ना, ये सब उनकी वजह से है। और आज एक लड़की ने तुझे ये क्या कह दिया कि वो तुझसे प्यार करती है? तू अपने आगे से अपने बाबा का नाम हटा के उसका नाम लगा रहा है। सनी, जीजू, चलो। आप सबको इतनी चिंता है ना कि बाबा को कैसा लगेगा मेरे नाम बदलने के फैसले के बारे में? एक काम करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए। आप अभी बाबा से पूछेंगे? फिराद सर, अगर सब लोग इस बात के, इस आइडिया के इतना खिलाफ है, सबको लगता है कि बाबा को इस बात से हर्ट होगा, तो फिर रहने देते हैं ना? मैं ना सच्चे दिल से आपकी तारीफ कर रही हूँ। आपने सिर्फ बोल कर नहीं बल्कि अपने एक्शंस में हम दोनों को बराबरी का दर्जा दिया। लेकिन विराट सर, अगर किसी भी चीज से बाबा की फीलिंग्स हर्ट होती है तो उस चीज से मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। देख लिया, सई ने नहीं कहा था मुझे ये सब करने के लिए, ये मैं खुद से करना चाहता हूं। अरे तो खुद मना कर रही है ताकि बाबा को कोई तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन अब बाबा सच में क्या फील करते हैं ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना। आइए देख लेते हैं। सनी, फोन कनेक्ट कर रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए जज्बात के इंद्रधनुष की तरह है। मैं खुशी, गम, हैरानी, सारे इमोशंस के रंग हैं। जब विराट और सई ने मेरे और अश्विनी के बीच की दूरियां मिटाई, तब से ही मैं चाहता था कि ये दोनों एक हो जाएं। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। आज विराट और सई ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही लिया, अपने परिवार के सामने फिर से शादी की, साथ फेरे लिए, शादी के साथ उछल लिए। और ये इस बार किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि इन्होंने अपने दिल से किया है। सच कहूं तो इस बात की मुझे बहुत खुशी भी है और दुख भी। खुशी इसलिए कि ये दोनों एक हो रहे हैं, और दुख इस बात का कि ये सब अपनी आंखों से देखने के लिए मैं खुद वहां आपके साथ मौजूद नहीं हूं। पर क्या करूं, फौजी आदमी हूं, फौज में यही सिखाया जाता है, जिम्मेदारी और फर्ज सबसे पहले। इसलिए अपने परिवार से दूर यहां अपना फर्ज निभा रहा हूं। खैर ये सब छोड़िए, आज मैं अपनी नहीं बल्कि सिर्फ विराट और सई की, अपने बेटे की और बहू की बात करूंगा।
विराट ने मुझे फोन पर बता दिया था कि वो अपना नाम बदल कर विराट सईद चौहान रखा है। सच कहूं तो इस बात से मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे गर्व है इस बात का कि वो अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ता है। नाम से ही पता चलता है कि विराट मेरा बेटा है। लेकिन विराट ने ये जब मुझसे कहा, ये सब मुझे बेइज्जत करने के लिए नहीं, सही को बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कर रहा है, तब मुझे बहुत खुशी हुई। ये सोचकर कि मेरे बेटे की सोच कितनी ऊंची है, कितनी भली है। इसीलिए विराट के इस नाम बदलने के फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं है। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। मेरा उन्हें पूरा सपोर्ट है। सारे आशीर्वाद मेरे विराट और सई के साथ हैं। और अश्विनी, मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि तुम भी विराट के इस फैसले के साथ खड़ी रहना, हमेशा की तरह। और एक बड़ी खुशी की बात, मेरी छोटी बहन शिवानी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रही है। राजीव नाम का एक नया रंग उसकी जिंदगी में भर जाए। मैं तुम्हें और राजीव को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारे आशीर्वाद देता हूं। आज इन सारी खुशियों में मैं आप सबके साथ नहीं हूं, इसलिए अश्विनी, विराट, सही, मेरे भाई ओमकार, सोनाली, करिश्मा, मानसीताई, सम्राट, पत्रलेखा और मेरी सबसे आदरणीय बहनी, सबसे मैं माफी चाहता हूं कि आपके साथ मैं नहीं हूं, लेकिन मैं हूं आपकी हर खुशी में, हर गम में आपके साथ ही हूं। मैं सारे परिवार को मेरा बहुत सारा प्यार। तुम्हारे बाबा को कोई आपत्ति नहीं है, परेशानी नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। तुम कर सकते हो जो तुम चाहते हो, मैं और बाबा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन लगता है तेरे दिमाग ने तेरा साथ छोड़ दिया है अश्विनी। अश्विनी बहनी तो निनाद दादी की भाषा बोल रही है। हैरान तुम्हें इस बात से कि निनाद दादो की यह बात सुनकर तकलीफ क्यों नहीं हुई। आप सब ये सोचकर गुस्सा हो रहे थे कि बाबा को बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे वगैरह मेरे इस फैसले के बारे में, लेकिन आपने देख लिया ना, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, उसका क्या? काकू, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यहाँ सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। तो जो नाम मैंने आप सबको अभी बताया था, आज से वही नाम मेरा ऑफिशियल नाम होगा, विराट सई चौहान। काकू, ऐसा करने से मुझे कोई रोक तो नहीं सकता ना? सही, चावल की थाल में मेरा नया नाम लिखो। देख क्या रही, करो जो विराट कह रहा है।
यह बेहूदगी और बर्दाश्त नहीं कर सकता। काका आई, आप कहाँ जा रही? इंटरवल में मूवी छोड़कर नहीं जाते? असली ड्रामा तो अभी बाकी है। रुकिए रुकिए, यहीं रुकिए। अरे हो पंडित जी, आप तो कुछ बोलिए। अरे आप पंडित जी होकर ये सब कैसे होने दे सकते हैं? आपका तो काम है ना लोगों को धर्म अधर्म में फर्क समझाने का, इन्हें जरा सद्बुद्धि दीजिए। भवानी जी, आपको बुरा लग रहा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पति के साथ पत्नी का नाम लगाना अधर्म नहीं है। ये प्रथा तो हमारे धर्म में बहुत पहले से चलती चली आ रही है, जैसे सीताराम लक्ष्मी नारायण, इसके तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये का है पंडित जी, आप विराट को सीख देने के बजाय और बढ़ावा दे रहे हो। समय के साथ साथ नई पीढ़ियों की सोच भी बदलती है, हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जैसे पुराने कपड़े हम जीवन भर नहीं पहन कर रख सकते हैं, उसी तरह जब सोच और विचार पुराने हो जाएं, तो उन्हें बदलने में कोई हर्ज नहीं है। भला कब तक कोई लकीर का फकीर बना रहेगा? पंडित जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि काकू लकीर फकीर नहीं है? ये करिश्मा कह रही है ना? पंडित जी, दक्षिणा लीजिए और इस घर में दोबारा कभी मत आइए। काकू, सोनाली पॉकेट दे। एक बात बताओ, मैं भी विराट की तरह अपना नाम बदल दूं? नहीं बाबा, वीरू ने ऐसा किया क्योंकि उसके दिल ने चाहा। तो तुम्हें क्या कहना चाहती हो कि वीरू और सही के बीच में हमसे ज्यादा प्यार? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बाबा। प्यार प्यार होता है, हाँ लोगों के जाहिर करने का तरीका अलग होता है, पर प्यार को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, गलत बात है। Wishing you a very happy married life, Virat Sai Chauhan and Sai Virat Chauhan. नाम सुनने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? वाकई में इनके नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। विराट ने तो कमाल कर दिया, दुनिया में एक मिसाल कायम की है इसने। तो सही विराट के सिर्फ दिल में ही नहीं, नाम में भी आ चुकी है। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस वक्त तुम्हारे दिल में कितना बड़ा तूफान उठ रहा होगा। अब तो तुम्हें सच पता चल गया है ना, तो तलाक दे दो मुझे, मैं वो सह लूंगी, लेकिन प्लीज ये जहर भरे ताने मारना बंद करो। अरे वाह,
इतना सारा डेकोरेशन तुमने किया कब? मैंने नहीं किया है। जरूर। ये सनी, मोहित और देवी ताई का कारनामा लगता ही है। You're welcome! अरे मैं तो वहाँ भी था, महाबलेश्वर, जहाँ आप दोनों की पहली मैरिज एनिवर्सरी हुई थी। भाभी, वहाँ इसने सोचा था कि आपको प्रपोज करेगा। वीरू, सही ने प्रपोजल इतना ग्रैंड किया था, तो फिर ये रूम तो ऐसे सजाना बनता है, बनता है ना, बनता है ना सर? बनता है कि नहीं बनता है? अब वीरू सुन, ये जो तुम लोगों का अलग अलग बेड है ना, इसको हमने हाथ नहीं लगाया, ये जैसे का वैसा ही है। ये क्योंकि ये तो तुम दोनों का फैसला है ना, तुम लोग को इसके साथ जो भी करना है वो कर, ओके? थैंक यू सो मच ताई। यू वेलकम। यू वेलकम। थैंक यू। बोला ना वेलकम। यू वेलकम। थैंक यू। अरे कहा ना, यू वेलकम। सही। थैंक यू। अच्छा, वो वाला थैंक यू। कोई बात नहीं, विराट सही चौहान को सही विराट चौहान मिल गया, हमें और क्या चाहिए यार। हाँ, आज के दिन हम दोनों को अकेला छोड़ देते, आज के दिन, ओके ओके। बाय द वे, शादी मुबारक। थैंक यू। कल। अच्छा, मैं कह रहा था ना, चल, चल। अरे यार, आने कुछ नहीं कह रहा था। ताई, आ जाओ। अरे मेरी प्यारी ताई। ताई, सुन, चॉकलेट से मस्त चॉकलेट से। अरे मैं कह रहा, तुझे तो बाद में देख। आज आपसे एक वादा करती हूं कि बहुत जल्द ये दीवार आपको तोड़ेंगे और फिर हमारे जो कमरे हैं ये एक हो जाएंगे और पहले की तरह हमारे बेड भी एक हो जाएंगे। तुमने यही सोचा था ना, इन बेड्स को मैं ही जोड़ूंगा? हाँ, मेरे और मेरी फीलिंग्स के बारे में इतना सोचने के लिए थैंक यू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जज्बात थे, वो मेरे गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की मिट्टी में दफन हो गए थे सही, लेकिन तुमने अपने प्यार से और एफर्ट से उन्हें फिर से बाहर निकाला है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.